हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ क्रिश खेलोजी। सो वेलकम बैक टू द क्रिश खेलोजी चैनल्स। सो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वलेट ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, सो लाइक प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा, वो टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस किया था कि लाइक सर्वलेट क्या होता है, देन लाइक सीजीआई क्या होता है। तो लाइक वहाँ पे मैंने कुछ एडवांटेजेस पॉइंट बताए थे, कुछ लाइक डिसएडवांटेज पॉइंट बताए थे। मीन्स लाइक सीजीआई के क्या डिसएडवांटेज पॉइंट है कि लाइक पहले सीजीआई को हम लोग यूज करते थे, बट लाइक उसी की जगह पे हम लोग अभी क्या करते हैं, सर्वलेट को यूज करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया था, आपको एडवांटेज पॉइंट बताया था कि सर्वलेट को क्यों यूज किया जाता है। बिकॉज सर्वलेट और सीजीआई दोनों का काम होता है वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करना। तो हम लोग सर्वलेट को क्यों यूज कर रहे हैं और सीजीआई को क्यों नहीं यूज कर रहे, तो उसका भी मैंने आपको डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो अभी ये टॉपिक के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि लाइफ साइकिल क्या रहेगा सर्वलेट का। मीन्स अगर सर्वलेट के अंदर कोई भी अगर हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं तो मेन एप्लीकेशंस का फ्लो कैसे रहेगा, तो वही फ्लो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाइक फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, लाइक उसका लाइफ साइकिल कैसे रहेगा। सो फर्स्ट स्टेप्स रहेगा और लाइक लाइफ साइकिल का फर्स्ट पॉइंट रहेगा उसका लोड दिस सर्वर क्लासेस। ओके, मीन्स लोड दिस सर्वलेट क्लास। अभी लोड दिस सर्वर क्लास मीन्स क्या होता है, लाइक मैंने बोला था कि लाइक सर्वलेट के अंदर एक वेब एप्लीकेशन जो हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, एज ए क्लाइंट रहेगा एज अ लाइक सर्वर रहेगा। सो लाइक क्लाइंट के थ्रू हम लोग जो एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले, मीन्स कोई भी वेब पेज जो बनाएंगे, तो क्लाइंट क्या करेगा, फर्स्ट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, और जब तक सर्वर से वो रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वो वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होने वाला नहीं है वहाँ पे, मीन्स एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो पूरा का पूरा सर्वलेट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा एज अ लाइक रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने सेंड किया। वो लाइक जो जब भी फर्स्ट रिक्वेस्ट क्लाइंट का सेंड किया जाता है उसको बोलते हैं सर्वलेट क्लास लोडेड। मीन्स तभी उसी टाइम पे क्या किया जाता है, वो सर्वलेट का जो क्लास होता है वो लोड किया जाता है, जब भी फर्स्ट रिक्वेस्ट क्लाइंट का सर्वर को रिसीव हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लोड दी सर्वलेट क्लासेस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर दी सर्वलेट लाइफ साइकिल। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द सर्वर क्लास। तो इंस्टेंस मीन्स क्या होता है कि लाइक अभी सर्वलेट लाइक लोड हो गया यहाँ पे, मीन्स उसका ये जो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव किया गया सर्वर से, और वही रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद उसके बेसिस के ऊपर मीन्स उसके लिए कुछ तो रिप्लाई चाहिए, मीन्स रिस्पॉन्स चाहिए सर्वर को। तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उसके लिए इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट बनाया जाता है कि लाइक वही ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करें, वो वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दिस सर्वलेट क्लासेस। एंड थर्ड वन पॉइंट रहेगा लाइफ साइकिल के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग इनिट मेथड इनवोक। सो व्हाट इज द लाइक वर्किंग ऑफ लाइक इनिट। इनिट मीन्स होता है इनिशियलाइजेशन। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्ट फॉर द सर्वलेट क्लासेस, मीन जैसे ऑब्जेक्ट बन जाता है उसके बाद उसका पूरा का पूरा सर्वलेट कंटेंट है वो लोड किया जाता है वहाँ पे, मीन्स इनिशियलाइज किया जाता है। लाइक हम लोग बोलते हैं कि लाइक कोई भी वेबसाइट अगर मैं लाइक सर्वर पे लाइक यूआरएल सर्च किया, तो यूआरएल सर्च करने के बाद फर्स्ट क्या करते हैं, वो लोड करते हैं। लोड करता है मीन्स क्या करता है, क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करते हैं, और जैसे सर्वर का रिक्वेस्ट रिसीव हो गया सर्वर में, उसके बाद क्या करेगा, उसके लिए वो इंस्टेंस क्रिएट करेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट बना देगा कि हमें क्या डिप्लॉय करना है वेब एप्लीकेशन में। और उसके साथ ऑब्जेक्ट मिलने के बाद क्या करता है, वो इनिशियलाइज कर देता है वो प्रोसेस के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग इनिट मेथड। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर कि कैसे इनिट मेथड इन्वोक किया जाता है उसके अंदर। और फोर्थ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपना उसके अंदर लाइक इनिट मेथड वर्किंग करने के बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस मेथड। तो इसका सर्विस मेथड का यहाँ पे काम क्या रहेगा, देखो कि लाइक रेडी रखना कि लाइक वेब एप्लीकेशन जो लाइक बोलते हैं ना कि डिप्लॉय करने वाले, डिप्लॉय करने के लिए रेडी रहना प्रोसेस को, मीन्स एट अ टाइम देखो कि जब भी लाइक क्लाइंट जब भी कोई भी वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगा तो एट अ टाइम सिर्फ सर्वर का एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स एक ही एट अ टाइम सिर्फ सिंगल रिक्वेस्ट जब भी सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट के टाइम पे सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो सर्विस मेथड का काम क्या रहता है कि लाइक वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए उसको रेडी करना है, मीन्स उसको रेडी रखना है, और जब तक वो रेडी नहीं रहेगा तब तक उसका वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होने वाला नहीं है। ओके, तो लाइक सर्विस मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, उसको डिप्लॉय करना, मीन्स डिप्लॉय करने के लिए उसको रेडी रखना। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है अपना डिस्ट्रॉय। सो लाइक सर्वलेट क्लास डिस्ट्रॉय मेथड इनवोक। सो उसका मेथड का लाइक इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो डिस्ट्रॉय का काम होता है हम लोगों ने क्या किया, देखो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि सर्वलेट पॉइंट लाइक सर्वलेट का इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, बट लाइक अगर लॉन्गर टाइम पे अगर मुझे उसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या करेगा, उस सर्वलेट का पूरा इंस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीन्स हमें फिर से क्या करेगा, न्यू वेब एप्लीकेशन उसके अंदर डिप्लॉय करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको थियोरेटिकल बता दी है, बट यही सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, आपको लाइक प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें कैसे वर्क किया जाते हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो आपको लाइक ये जो चीजें मैंने जो आपको बताए वो लाइक इजीली लाइक बोलते ना कि लाइक ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी, इजीली आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल के साथ हम लोग मिलते हैं।